मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, नवरात्रि का पर्व आने वाला है। जी हाँ, इस साल 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे में इन दिनों कई उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में कई प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं जो बड़े लाभ दिलवाते हैं। आज हम आपको नवरात्रि का एक जाना माना उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी इच्छा को पूरी करेगा। क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। इस उपाय के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह दुर्गा और महाविद्याओं का स्मरण करते हुए एक स्वच्छ नया सुंदर सजा हुआ मिट्टी का घड़ा लें। अब उसमें सप्त धान के थोड़े से दाने, 1 रुपए का या चांदी का सिक्का डालें। इसके बाद उसमें गंगा जल मिश्रित पानी भरें। अब कलश के भीतर 1-1 सुपारी, पूजा बादाम और हल्दी की गांठ भी डालें। इसके बाद पानी पर बहुत कम कुमकुम, अबीर और चावल छिड़कें। अब इसे दिए से ढक दें। उसके बाद दिए पर छोटा पूजा नारियल रखें और नारियल पर मौली बांधें। अब इस कलश की विधिवत पंचोपचार पूजा करें। अंत में कलश के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लें। यह प्रतिदिन करें और देवी और महाविद्या का स्मरण करें। ऐसा करते हुए अपनी मनोकामना मन ही मन देवी से व्यक्त करें। उसके बाद जब पूजन से उठें तो आसन को प्रणाम कर आसन साथ में उठाएं। आप ऐसा नवरात्रि के 9 दिन तक करें। अगर 9 दिन ना कर सके तो 9वीं पर अवश्य करें। 9वें दिन कलश का जल अपने ऊपर और पूरे घर में छिड़कें। उसके बाद बचा हुआ जल तुलसी, पीपल या किसी भी पवित्र पौधे में अर्पित करें। वहीं कलश की पूजा सामग्री में से सिक्का अपने पास रख लें। शेष सामग्री किसी नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे, कलश उठाने से पहले अंतिम दिन 108 बार अपनी कामना बोलें। ऐसा होने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।